नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जिस तरीके से बिहार में प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने क्या इस सब को सफाई करने के लिए प्लान बनाया है? जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इससे जुड़ी तमाम बातें कही है कि सरकार ने इस पर पूरा प्लान बना लिया है, पूरे बिहार को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, साथ ही नदियों की सफाई भी की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू, जरा एक बार आप सुनिए। खतरा बढ़ रहा है, इसको सही करने के लिए पर्यावरण डिपार्टमेंट लगातार काम कर रही है और कल भी एक रिपोर्ट हम लोग अभी जारी किए हैं। किसी संस्था के द्वारा रिपोर्ट बनाया गया था, जो बाहर का एनजीओ है, टेरी था और आदरी, ये दो एनजीओ यहाँ पर काम किए। आज के अखबार में छपा हुआ है खबर, जो प्रदूषण लेवल पटना का निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह मुस्तैद भी है और काम भी कर रही है। और उसका सबसे बड़ा मेन है, उसको कम करने के लिए हम लोग प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं। प्लांटेशन का अभियान पूरे राज्य भर में 5 करोड़ प्लांटेशन का है, जो तेज गति से चल रहा है। मुझे लगता है कि 70% अभी तक हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं और जो समय सीमा हम लोग का है, उस समय सीमा तक हम लोग प्लांटेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे और उससे आगे भी करेंगे। फिर इसके अलावे भी और हम लोग कई तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है अमृत महोत्सव, तो ये साल हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का। इसके तहत हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत खास करके पर्यावरण डिपार्टमेंट पूरी तरह मुस्तैद है, काम कर रही है। और काम में हम लोग नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे और जो भी नदी है उस नदी के किनारे अभी सर्वे करा रहे हैं प्लांटेशन के लिए, हम लोग पूरी तरह वहाँ भी प्लांटेशन कराएंगे। इसके साथ साथ जो भी महापुरुषों का मूर्ति है, स्टैचू है पूरे राज्य भर में, जिसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा है कोई डिपार्टमेंट, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उसमें से कुछ हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, महापुरुषों का मूर्ति, और सेलेक्ट करने के बाद उसको सुसज्जित करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे पूरे साल। पूरे साल साफ सफाई का हम लोग जिम्मा उठा रहे हैं, ये सारा नया काम हम लोग करने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग जीरादेई से शुरू करेंगे। जीरादेई में राजेंद्र बाबू की प्रतिमा वहाँ पर है, वहाँ से वहाँ का साफ सफाई, वहाँ पर सुसज्जीकरण का काम करेंगे और बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग सिवान जाकर के, जीरादेई जाकर के वहाँ से प्लांटेशन और इसका काम का शुरुआत करेंगे। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि सरकार का क्या प्लान है, किस तरीके से सरकार प्रदूषण मुक्त बनाने वाली है बिहार को। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।